सेटअप एंड देख ले। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जैसा कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ अपने घर के साथ वाली सड़क पे खड़ी हूँ, क्योंकि अभी लाइट नहीं है। तो मैंने सोचा अंदर बहुत अच्छे से नहीं दिखेगा जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, तो मैंने सोचा बाहर ही जाकर दिखाती हूँ और बर्फ़ के साथ मज़े भी लेती हूँ थोड़ा। तो यहाँ पे बर्फ़ 2 फुट से ज़्यादा पड़ी हुई है वैसे, और मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि हमारी जो ट्रेडिशनल ड्रेसेज होती है हम किस तरह से उसको वेयर करते हैं और उसका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, लाइट आ गई थी तो मैंने सोचा मैं अंदर ही जाके वीडियो बना देती हूँ, और बाहर वैसे भी बर्फ़ ज़्यादा हो रही थी, तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ फटाफट से। और यहाँ पे मैंने अपनी रिंग लाइट भी ला ली है, तो मैं आपको दिखाती हूँ फटाफट। तो फ्रेंड्स, मैंने पहन ली है अपनी सदरी और अपना डाटू। तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, पूरे हिमाचल में इसी को ही ज़्यादातर पहनते हैं, सबने पहनी होती है। तो ये जो मेरे हाथ में है, ये है अपर हिमाचल में पहने जाने वाली पोशाक। तो इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत बताऊँगी और साथ में इसको दिखाऊँगी, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको इसको दिखाई देती हूँ। तो ये है इसका बैक, ठीक है। पहले आप इसका बैक देख लो टाइप का है, और इसका कलर भी देख लेना। इसके इसको हम बोलते हैं बांद्री जुड़की। बांद्री जुड़की इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो लाल भेड़े हैं उसकी ऊन की ये बनी हुई है, तो हम लाल भेड़े को बोलते हैं बांद्री भेड़ अपनी भाषा में, तो इसको कहते हैं बांद्री जुड़की, ठीक है। थकने में आ रहा हूँ बोलते बोलते। तो इसकी लेंथ देख लो आप और, ठीक है। बैक साइड आपने देख लिया है, इसकी लेंथ देखो जो कि अच्छी खासी है। कोल्ड होने की वजह से थोड़ा मेरा गला भी बैठा है। तो ये देखो इसका फ्रंट है, ठीक है। फ्रंट से ये कुछ इस तरह की लग रही है। तो अब बात करती हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। थोड़ी सी जो ये जुड़की है, इसको बनाना गैस कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपका टाइम लगेगा, आपकी मेहनत लगेगी। मेहनत कैसे लगेगी वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे भेड़ों की शेविंग होती है, मुझे पता है क्योंकि मैं एक भेड़ पालक की बेटी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है ये जुड़की किस तरह की बनती है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। जब हम भेड़ों की शेविंग करते हैं, कुछ भेड़ें काली होती है, सफेद होती है, लाल होती है, नीली होती है, तो उनकी ऊन हम मिक्स नहीं करते हैं, ठीक है। अलग अलग रखते हैं, क्योंकि अलग अलग रख के ही काली जो ऊन होती है उसकी हम काली सदरी बना सकते हैं, ठीक है। हमने बनाई भी है, मैं आपको जरूर दिखाऊंगी वो भी, और कोट भी बनता है, सब कुछ बनता है, ठीक है। अगर आप काली पहनना चाहो और सफेद पहनना चाहो, या फिर ऐसी लाल सी पहनना चाहो या नीली पहनना चाहो, ठीक है, सब कुछ बन जाता है। तो जब हम शेविंग करते हैं उसके बाद भेड़ों की ऊन को वॉश करते हैं, उसके बाद उसको सुखाने को ढालते हैं। सुखाने के बाद जैसे हम अपने बालों में कंघी करते हैं ना, वैसे ही भेड़ों की ऊन को भी कंघी करते हैं। कंघी को क्या, वो कांगड़ू बोलते हैं हमारे उसको, जिसे कॉम करते हैं भेड़ों की ऊन को, क्योंकि जो उलझी हुई ऊन होती है ना उसको सुलझाने का काम वो करता है। वो भी मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी कि किस तरह से उसको किया जाता है, ठीक है। और उसके आगे का जो प्रोसेसर है, फिर उसको कातना होता है। कातते भी हम खुद ही है, ठीक है। कातते हैं, फिर रेटू बनता है कातने के बाद। वो सब कुछ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, तभी आपको समझ आएगा। ऐसे बोलते वक्त आपको शायद उतना समझना आपके पल्ले में उतना पड़े नहीं, पर मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर दिखाऊंगी कि किस तरह से करते हैं। और उसके बाद हम लोग देते हैं बुनने के लिए। जब हम बुनने के लिए देते हैं तो यहाँ अपने गांव में ही देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको बुनाई का काम आता है, तो जो बुज़ुर्ग आदमी हैं हम उनको ही देते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होता है और उनको पता होता है कि जुड़की के लिए कितनी ऊन लगेगी। और जो पट्टी वो बनाते हैं बुन के, तो वो जुड़की के ही नाप के बनाते हैं। अगर हम कोट के लिए बोले तो वो कोट के ही नाप के बुन के हमें दे देते हैं पट्टी। तो ऐसा होता है कि जब वो पट्टी दे देते हैं हमें बना बना के, यानी कि बुन के, तो हमारा काम ये होता है कि उसको अच्छे से धोना होता है, पैरों के नीचे ढाल के धोना होता है, फिर उसके बाद जो है उसको सुखाना होता है। सुखाने के बाद क्या होता है कि हमारे गाँव में ही टेलर है,
है जो जुड़की बनाते हैं, सदरी बनाते हैं, कोट बनाते हैं, वो भी बुजुर्ग ही हैं तो उनको ज़्यादा पता होता है कि किस तरह से बनानी है, तो वो बना के दे देते हैं। अब मैं आपको फटाफट से इसको वेयर करके दिखाती हूँ, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। तो फटाफट से वेयर करके दिखाती हूँ कैसी लगती है पहन के, ठीक है? ये ठंड से तो हमें बहुत ज़्यादा चाहती है, ठीक है? उनके कपड़े उतरे ऐसे मस्त से गर्म गर्म, मज़ा आता है पहन के। जिसका ये पल्लू है इसको हमें बांधना है यहाँ पे, ठीक है? एक यहाँ पे भी लगेगा, यहाँ यहाँ पे भी पहनेंगे, तो पहले पहन तो मैं यहाँ पे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ, वो है ये है गाची, ये भी उनकी ही बनी हुई होती है, इसको बुना जाता है, ठीक है? इसको कोई काट कूट नहीं सिला जैसे इसको बनाया हुआ है, इसके लिए इसको सिर्फ बुना ही जाता है। तो मैं इसको पहन के दिखाती हूँ आपको फटाफट से, ये पकड़ी मैंने इस तरह से, ओ सॉरी यहाँ से दिखा देती हूँ, ये मैंने ऐसे पकड़ी यहाँ पे, ये इधर भाई, इसको पहनना आसान काम है इसके लिए। और तो मेरी मम्मी पहना आज मुझे खुद ही पहनना पड़ रहा है। आपकी गच्ची भी होगी है तैयार, ये गाची मैं आपको नीचे काफी थोड़ा दिखा देती हूँ। देखो ये गाची है, बैक साइड से कुछ ऐसी लग गई है, ऐसे थोड़ा सा निकल भी आ रही है। मैं फिर से वेयर करती हूँ, ठीक है? जो आपकी इधर को आई हुई दिख रही है ना, ये यहाँ पे बटन लगा हुआ है, इसकी शेप है ये ऐसी, ठीक है? अब मैं इसको बैक साइड से दिखाती हूँ आपको, मैं थोड़ी सी सीम हूँ उस वजह से शायद थोड़ी सी खुली आपको भी लगे देखने में, बाकी मैं कंफर्टेबल फील करी उसको पहन के। और ये इसका पॉकेट है, लेफ्ट पॉकेट, ये राइट पॉकेट है, ये बहुत गर्म है और अच्छा भी लगता है मुझे। तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये जुड़की कैसी लगी, मेरी बांद्री जुड़की कैसी लगी आपको, ये कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे प्लीज़। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे मैं ब्लॉग अपलोड करूँ उसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ही बताना, मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी आप सभी को करती हूँ जो मुझे कमेंट करते हैं। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।